हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम लोग रिएक्शन देने वाले मल्हारी सॉन्ग पे। आई नो इट्स बीन 5 इयर्स। हाँ, गाना काफ़ी पुराना हो चुका है। आई थिंक 6 साल हो चुके हैं। हाँ, 6 साल हो चुके, लेकिन दिस वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग एज फार एज इफ रणवीर सिंह इज कंसर्न। मतलब अगर रणवीर सिंह के उसमें सॉन्ग्स की लिस्ट में देखूँ तो मल्हारी सॉन्ग जो है मेरे टॉप पे आता है। और वैसे भी मैं इसको सुनता रहता हूँ, तो मैं 40 पे हम रिएक्शन देते हैं और मैं बताता हूँ मुझे गाना कैसा लगा। गाइज, रणवीर सिंह के लिए वी आर ऑलवेज एक्साइटेड। कोई भी मूवी हो, कोई भी सॉन्ग हो, हमेशा। तो अभी बिना किसी देरी के हम ये गाना इंजॉय करते हैं, नॉट सुनते, इंजॉय करते बिकॉज सुना हम सब ने, बस इंजॉय करने की देरी। और मुझे इसमें जो 2-3 जो एलिमेंट्स है जो मुझे अच्छे लगे, स्टेप्स नहीं, हाँ काइंड ऑफ स्टेप्स, मतलब जो सीन्स है वो अच्छे लगे, वो मैं आपको इस साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे मन में जो है इस सॉन्ग को लेके वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो Yes, so let's start. 1, 2, 3, start. देखो स्टार्टिंग होती है, इतनी सारी भीड़ से सेंटर में आते हैं रणवीर सिंह। ये स्टाइल अब देखो, ये लोग तो डांस कर रहे हैं, लेकिन वो जो तंबू है ना, तंबू के बाहर भी देखो लोग डांस कर रहे हैं, शैडो दिख रही है उनकी, वो पीछे है और वो भी बीट के साथ मैच हो रहा है, मतलब बाहर भी एक स्पीकर लगाया होगा। ये बहुत अच्छा लगता है। ये दीदी को कुछ कहना है? कैसा लग रहा है गाना? अरे मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मैं तो सुन रहा हूँ। चलो आगे सुनो, अब मैं पॉज नहीं करूंगा। Yeah. अभी मेरी फेवरेट स्टेप आने वाली है। और अभी होगा एक बेस्ट, देखो ये सब बढ़ेंगे। ऐसा लगता है पीछे वो दोनों लाइट्स लगी है, लेकिन लाइट्स नहीं, तंबू है, लोग कंफ्यूज आते हैं। दिस इज दी सीन, मतलब जिसमें बात कर रहा था कि इतनी भीड़ को लेके एक सॉन्ग को कोरियोग्राफ करना बहुत मुश्किल होता है, जो कि कर दिखाया मूवी के मेकर्स ने। अच्छी लगती है इस मुझे। अब कैमरा एंगल ऊपर से बहुत मस्त लग रहा है। इसमें ये इंस्ट्रूमेंट के साथ दूसरे जो वोकल्स है वो यूज किए हैं, और वो भी डबल करके। ऐसे करके और ऐसे करके वो जो उड़ा है गेरुआ, मजा आ गया। दुश्मन के वार्ड लग गए। Wow, what a song! मतलब इतनी सारी भीड़ को लेके कोरियोग्राफ करना एक सॉन्ग, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट।
क्योंकि सब लोग सिंक्रोनाइजेशन में नहीं आ पाते हैं। और मैं बहुत मज़ा इंजॉय किया गाने को, सिर्फ सुना नहीं, बहुत मज़ा आया सच में। वैसे देखा जाए तो बाजीराव मस्तानी भी बहुत एक अच्छी मूवी है, मतलब मुझे स्टोरी मतलब ठीक सैड थी, इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, प्रोडक्शन क्वालिटी तो ऑफकोर्स अच्छी रहेगी, लेकिन अगर मैं बात करूँ मतलब सिनेमेटोग्राफी की वो बहुत तगड़ी थी। और लास्ट में अगर आपने सीन देखा होगा मूवी का जिसमें घोड़े भाग के आ रहे और वो भी इधर से रणवीर सिंह भाग के जा रहा है पानी में और घोड़े उसको ऐसे ओवरलैप करके जा रहे हैं, मतलब उस सीन को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी वो मेकर्स ही जानते हैं, मैं भी नहीं जानता, मेकर्स ही जानते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्या ट्रिक यूज़ की गई है, क्या होता है उसमें, पर बहुत अच्छी वो क्योंकि CGI घोड़े ही थे। नहीं है, ये बहुत क्या बोलते हैं, मास्टरपीस है, आर्ट, जस्ट लाइक पद्मावत, जस्ट लाइक RRR, मतलब कुछ होती है मूवीज जो कि ओवर द टॉप होती है, तो ये उस टाइप की मूवी है। अब अगर हम बात करें, अगर हम बात करें कि ये हिस्ट्री पे बेस्ड है मूवी, लेकिन एक कैटेगरी हिस्ट्री के अलग है जो हमें पता है, बट ये हिस्ट्री प्लस फिक्शन है। नहीं फिक्शन नहीं है, रियल में भी मस्तानी थी वो और सब था, लेकिन ये बाकी बुक्स में इतना नहीं था, ये बिल्कुल मतलब ये एंड टू एंड बिल्कुल वो नहीं है, थोड़ा इसमें फिक्शन ऐड किया गया। स्कूल की बुक्स में तो नहीं दिया, लेकिन जो आप इनके जो राइटर है, एक मुस्लिम राइटर है, उनकी बुक में दोनों के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन तो इतनी लीला ने उनकी बुक प्रेफर करी, वो तो करी है, लेकिन एंड टू एंड कुछ भी फिक्शन नहीं इसमें, होगा तो सही, नहीं सब कुछ रियल है, कुछ भी एक भी डायलॉग फिक्शन नहीं है। अच्छा कुछ थोड़ा बहुत तो हो सकता है, बहुत सारे सीन फिक्शन है इसमें, बाकी जो बहुत सारी चीजें तो हाँ, तो ये हिस्ट्री प्लस फिक्शन है। जैसे कि हम गांधी जी की बात करें कोई मूवी की, तो उसमें सारे सीन्स जो होते हैं वो एक्चुअल में हुए थे, वैसे इसमें भी बहुत सारे सीन्स एक्चुअल में हुए थे, लेकिन जो बीच बीच में स्टोरी चल रही है, बातचीत चल रही है, वो सब तो फिक्शन ही है। पर मैं इन सब के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, मैं सॉन्ग के बारे में बात करता हूँ। सॉन्ग अब आपको पता ही चल गया होगा कितना अच्छा लगता है सॉन्ग ये वाला, पता नहीं एनर्जी आ जाती है सॉन्ग को सुन के। तो बस यही था हमारा रिएक्शन, और हमको कुछ बातें करनी थी। गाना सुनते हैं ना एकदम बॉडी में एनर्जी आ जाती है, वही मैंने बोला ना, सब सारी नींद उड़ जाती है। तो अभी हम लोग करते हैं इस रिएक्शन को एंड, बस आपसे कुछ बातें करनी थी सॉन्ग के बारे में, इसलिए हमने वीडियो बनाई, और आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना, बिकॉज वी आर वेरी वेरी क्लोज टू 1.1K सब्सक्राइबर्स। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, और ये सब आपकी वजह से हुआ, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। यस, और हम लोग इसी तरह के पुराने सॉन्ग्स वगैरह सब लोग सब कुछ लाते रहेंगे। अगर आप एक्साइटेड हो पुराने सॉन्ग्स के लिए कि अगर यार आपको ऐसा लग रहा है इस पर तो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा यार, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताना, हम फॉर श्योर रिएक्शन देंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें।